दो ग्रुपों के आपसी झगड़े में मुलव्वस 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस ने 18 मई की रात पेश आने वाले आपसी झगड़े में दोनों ग्रुपों के खिलाफ काउंटर मुकदमा दर्ज करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया। पहले ग्रुप की जानिब से 30 साल ताजिर सैयद नवीद साकिन सेवक नगर नामपली, 25 साल ताजिर मोहम्मद इरफान साकिन शांति नगर नामपली और 35 साल ताजिर सैयद माजिद साकिन सेवक नगर नामपली को गिरफ्तार किया। इस ग्रुप के दीगर अफराद रज़ाक, नईम, उस्मान, फैसल, रहमान, रिजवान, इरफान, तनु और दीगर मफरूर बताए गए हैं। नवीद की जानिब से की गई शिकायत पर हबीब नगर पुलिस ने दूसरे ग्रुप के अफराद मोहम्मद समीर, हुसैन शरीफ, फेरोज और फैसल और दीगर को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई हबीब नगर इंस्पेक्टर रामबाबू ने क्राइम स्टाफ के हमरा अंजाम दी, जिसकी तफसील एडिशनल DCP साउथ वेस्ट मोहम्मद अशफाक ने मीडिया से बात करते हुए बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम कंट्रोल न्यूज, हैदराबाद। यहाँ हबीब नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में सेवक नगर बोल के एक एरिया है, वहाँ पे 17 तारीख के दिन 5 बजे रात के 9 बजे एक गड़बड़ हो रही, ग्रुप तैयार होके 100-200 आदमी हथियारों के मार ले रहे बोल के इंफॉर्मेशन आया। उसके ऊपर अपने SHO हबीब नगर वहाँ पे अपनी टीम को जाके वहाँ पे सबको कंट्रोल करे। कंट्रोल करने के बाद उसमें मालूम हुआ कि ऐसा अपने समीर और नवीद ये जो दो ग्रुप है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है बोल के वो लोग एक को एक मार लिए बोल के मालूम हुआ। तो उस सिलसिले में दो केसेस रजिस्टर करे, एक समीर का ग्रुप एक नवीद का ग्रुप, दो ग्रुपों में केस रजिस्टर करके हमारे हबीब नगर केस पर सब इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ACP आसमदार की सदा स्पोरजन में इन्वेस्टिगेशन करके दो केसेस रजिस्टर करके आज उन लोगों को पकड़ा गया और लालच करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर, ये झगड़ा इसमें तो और बहुत लोग इन्वॉल्व है। फिलहाल तो हमारे एविडेंस में समीर, हुसैन शरीफ, वाजिद, ये फेरोज एक ग्रुप में अब तक अपने पास आया और दूसरे ग्रुप में नवीद, इरफान और वसीम और ये सैयद माजिद, ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। अब तक तो इनके ऊपर हमारे को एविडेंस मिला है और बाकी के थोड़े लोग और इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें हम इंक्वायरी के हिसाब से अगर कुछ आया तो 100-200 लोग रहने से हमारा मुश्किल हो रहा, कौन कौन थे क्या नहीं थे, तो उसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर उसमें और कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको भी अरेस्ट करके भेजा। इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट इसके भाई पूरे इन्वॉल्व है, इनके क्या बोलते अबेटमेंट क्या बोलते सपोर्ट पे ये चल रहा बोल के हमारे लोग बोले, और भी इसमें कोई दूसरा रोड डिस्ट्रीटर भी कुछ सपोर्ट कर रहा बोल के मालूम हुआ। हम उसके बारे में इंक्वायरी करके अगर हमारे को एविडेंस मिला तो उसके ऊपर भी हम सपोर्ट के नीचे हम एक्शन लेंगे। मैंने था और बाद में इस पार्ट पर आया और ये माजिद तो उसको सपोर्ट कर रहा बोल के इन्फॉर्मेशन। समीर के जो पूरे रिश्तेदार हैं, समीर का एसोसिएट्स है ये, तो ये लोग जब नवीद तो उधर गए ना अटैक करने के लिए तो इन लोग उसको समीर को सपोर्ट करते हुए इन लोग उसको अटैक करे और इन लोग उसको अटैक करे वैसा वहाँ किससे अटैक करे राट्स और कबगीर, वो दूसरे राट्स और कबगीर वहाँ जो पकवान चल रहा था ना और वहाँ जाके भी वो क्या बोलते हैं पूरा भीवत्सम के ऐसा वो खाना नीचे डाल देना करना पूरा एक टेररिज्म एक्टिविटी। चाकू को निकाले, चाकू ये कौन है नवीद दोनों पार्टी के ऊपर केस बुक है। समीर पे ऑलरेडी केस हमारे एरिया में नहीं है तो अपनी नोटिस में नहीं आया। हर खबर